द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द किसिंग बूथ। ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स एली और ली की, जिनकी दोस्ती काफी मजेदार रहती है क्योंकि इनसे पहले उनकी माँ भी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स रहती है। और एली और ली का जन्म भी एक ही दिन हुआ रहता है, जिस वजह से इनके बीच एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। पर जब एली 11 साल की रहती है तब उसकी मॉम को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिस वजह से उनकी कुछ वक्त में डेथ हो जाती है। जिसके बाद एली और ली के घर वाले भी एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं, और इन्हीं में से एक और स्पेशल बंदा रहता है नोवा, जो ली का कजन रहता है और काफी गुड लुकिंग और हॉट रहता है, और एली को वो काफी ज्यादा पसंद रहता है। पर एली और ली के कुछ रूल्स रहते हैं, जिनमें से एक रूल ये रहता है कि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स पर नजर नहीं डालेगा। और ली को ये रूल से थोड़ा ज्यादा ही प्यार रहता है, क्योंकि उसे हर बार नोवा से कंपेयर किया जाता था। तो ये थी अब तक की कहानी, और अब यहाँ से आगे की स्टोरी शुरू होती है। आज एली का हाई स्कूल में पहला दिन रहता है, पर स्कूल के लिए रेडी होते वक्त एली की पैंट फट जाती है और उसके बाकी पैंट्स क्लीनिंग के लिए गई रहती है, जिस वजह से एली को अपने 9th ग्रेड की स्कर्ट पहनकर स्कूल जानी पड़ती है। पर वह स्कर्ट इतनी छोटी रहती है, जिस वजह से पूरे स्कूल की नजर बस उसे ही घूरने लगती है। और इसी बीच एक स्टूडेंट जिसका नाम टपर रहता है, वो एली को आकर छेड़ देता है, जिस वजह से ली को गुस्सा आ जाता है और वो टपर से लड़ने लगता है। पर इससे पहले वो टपर से मार खा जाता है, नोवा वहाँ आकर टपर को मारने लगता है, जिसके बाद टीचर को उनकी लड़ाई रुकवाने के लिए वहाँ आना पड़ता है। पर इसके बाद से एली की पॉपुलैरिटी स्कूल में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि स्कूल की पॉपुलर OMG गर्ल्स भी एली से बात करने का ट्राई करती है, क्योंकि उन्हें लगता है एली और नोवा एक दूसरे के करीब है, तो वो भी एली के जरिए नोवा के करीब जा सकते हैं। और आखिर में टपर भी एली से बहुत अलग अंदाज में माफी मांगता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। एली को यकीन नहीं हो रहा होता कि एक स्कर्ट की वजह से उसके साथ इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसके बाद एली ली के साथ प्लान बना रही होती है कि वो आने वाले स्कूल फंडराइजर पार्टी में खुद का कौन सा इवेंट रखेंगे, और तभी बातों बातों में इन्हें किसिंग बूथ का आइडिया आता है, जिसमें लोग पैसे देकर किसी को भी किस कर सकते हैं। पर इस आइडिया के अप्रूवल के लिए एली स्टूडेंट यूनियन से झूठ बोलती है कि उनके किसिंग बूथ में नोवा भी आने वाला है। इसके बाद स्कूल का सारा काम खत्म करके एली जब टपर से मिलने डेट पर जाती है, तो वो देखती है कि टपर उसे बुलाकर खुद नहीं आया, जिससे वो उदास हो जाती है। पर टपर थोड़ी देर बाद वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे कि वो नहीं आ पाया। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, दरअसल नोवा ने उसे और स्कूल के बाकी लड़कों को उससे दूर रहने को कहा है। टपर की बात सुनकर एली को थोड़ा अजीब लगता है कि नोवा उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। पर नोवा की इस हरकत से एली को लगता है कि अगर वो उससे किसिंग बूथ पर आने को कहेगी तो वो आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। एली जब नोवा को अपने किसिंग बूथ पर आने के लिए इन्वाइट करती है, तो नोवा उसे मना कर देता है, जिसके बाद उसे किसिंग बूथ पार्टी आने तक सभी से झूठ बोलना पड़ता है कि पार्टी में नोवा आने वाला है। पर पार्टी में जब किसिंग बूथ पर नोवा किसी को नहीं दिखाई देता, तो एली और ली की बहुत बेइज्जती होने लगती है। पर तभी इन दोनों ने जो सोचा नहीं रहता वो हो जाता है। ली को किसिंग बूथ पर एक लड़की मिल जाती है जो उसे प्रपोज कर देती है, और नोवा भी खुद आकर एली को सबके सामने किस कर लेता है, जिससे सभी की बोलती बंद हो जाती है। और एली को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि नोवा ने उसे किस किया है। वो तुरंत नोवा के साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगती है, पर उसका सपना जल्द ही टूट जाता है जब वो पार्टी के बाद नोवा को किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते देखती है, जिसके बाद वो तुरंत वहां से भागने लगती है। पर नोवा उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि रात बहुत हो गई रहती है। पर रास्ते में जाते वक्त अचानक बारिश होने लगती है, जिस वजह से नोवा उसे एक जगह पर रुकने के लिए लेकर जाता है, और वहां इन दोनों के बीच फिर से मूवमेंट बनने लगती है। पर तभी एली नोवा से कहती है कि वो उसके बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह बनकर नहीं रहना चाहती, तो नोवा उससे कहता है कि वो उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा, वो उसके लिए सच में फील करता है। और इस पल के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ काफी पल बिताने लगते हैं। पर नोवा के साथ रहते रहते एली भूल जाती है कि ली भी उसका दोस्त है। नोवा के वजह से एली ली से बहुत दूर हो जाती है, वो ली के साथ पहले की तरह टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। और इसी बीच एक दिन ली एली और नोवा को किस करते हुए देख लेता है, और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिससे ली को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो एली को कहता है कि वो अब दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि उसने उनके रूल को तोड़ा है। ली की बात सुनकर एली उसे रोकने की कोशिश करती है, तो ली उसे बताता है कि उसकी लाइफ में अब तक बस वही एक थी जो नोवा के पास नहीं थी, वरना नोवा ने जो भी मांगा वो उसे तुरंत मिला, और वो हर बार बस देखता रहता था। पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पास वो नहीं थी, पर आज वो भी उसे मिल गई। ली की बात सुनकर एली को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, और उसे लगता है नोवा ने उसे जानबूझकर ली के सामने किस किया था, जिसके बाद वो नोवा से लड़ लेती है और फिर तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर जल्दी ही एली ली को मना लेती है और उससे ये कहती है कि वो अब दोबारा नोवा से कभी नहीं मिलेगी, और वो ऐसा ही करती है। पर जब एली ली और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ प्रोम नाइट पर जाती है, तो नोवा भी वहाँ आ जाता है और किसिंग बूथ के स्टेज पर एली को सबके सामने प्रपोज करता है। पर एली नोवा को ये कहकर मना कर देती है कि वो उसके लिए बाकियों को नहीं खो सकती, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पर एली के जाने के बाद नोवा ली के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है अपने आज तक के किए उसके साथ बुरे बर्ताव के लिए, और उसे बताता है कि वो सच में एली से प्यार करता है। और वो ये सब उसे इसलिए बता रहा है क्योंकि अगले दिन वो हार्वर्ड जाने वाला है अपने आगे की पढ़ाई के लिए।
लिए। नोआ की बात सुनकर ली को भी बुरा लगता है कि उसने उनके रिलेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, जिसके बाद वो नोआ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। दरअसल अगले दिन ली और एली का बर्थडे रहता है, तो ली अपने बर्थडे पार्टी में कॉस्ट्यूम कोड रखता है जिसमें ली बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। और जब वो एली को उदास देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उनके प्यार के बीच में नहीं आएगा, और इसके बाद वो एली से जल्दी अपने साथ चलने को कहता है नोआ को ढूंढने के लिए। पर एली जब कार ड्राइव कर रही होती है तो वो देखती है कि कार में ली की जगह नोआ बैठा हुआ था, जिसके बाद नोआ को अपने सामने देखकर एली सरप्राइज हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि सब प्लानिंग ली ने ही उसके लिए किया था। और आखिर में दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं और फिर एली नोआ को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और नोआ उसे गिफ्ट के तौर पर अपनी बाइक दे देता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।